And this is how this road starts. Ye raha beautiful view. Har taraf pine trees. Ye pine trees upar se mausam summer mein Jammu mein temperature 40s ke upar ja raha hai abhi. 40 degree Celsius ke upar hi jata hai. To abhi yahan mausam bilkul soothing sa mausam hai. Hello and what's up people? I am Kanav here. Welcome back to the channel. And friends, सुबह का नाश्ता कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. सोचा मैंने ये था कि सूर्य देवता उगने से पहले हम लोग काफ़ी डिस्टेंस कवर कर देंगे, पर भूख के कारण हो नहीं पा रहा था. तो अब मैंने खा लिया रोटी और अब हम डिस्टेंस कवर करेंगे सीधे उधमपुर से सुद महादेव तक. Sometimes I feel like when I am riding in Mother Nature, I feel like that we are making hell out of heaven. And जो हमें पढ़ाया जाता है कि जब हमारी डेथ होगी एंड हम लोग कहीं ऊपर बड़ा कुछ होगा वहाँ हम, ऐसा कुछ नहीं होता है. इसी यही फालतू की कहावत की वजह से कि ऊपर एक और दुनिया है, इसकी वजह से हम लोगों ने पूरा प्लानेट ख़राब कर दिया हुआ है. ये है हेवन जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं. पार्वती माता का जन्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पे उनकी शादी भी हुई थी ऐसा मुझे पंडित जी से पता लगा है. तो ये वो वाला मंदिर है. तो मैं आपको आगे से थोड़ा सा, ये रहा वो मंदिर. जय माता दी. तो ये मानतलाई जो है अपने श्री अपनेश्वर महादेव जी मंदिर है. तो ये माँ पार्वती के नाम पे अपनेश्वर महादेव मंदिर इसका नाम पड़ा है. तो जब माँ पार्वती जी भगवान शंकर जी को पार्वती के रूप, उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करते थे, तो पहले वो अन्न वगैरह खाते थे, उसके बाद फल वगैरह. जब इतनी उन्होंने घोर तपस्या की कि उन्होंने पत्ते तक खाना छोड़ दिए, तो तब उनका नाम अपर्णा पड़ा था. इसलिए इस मंदिर का नाम अपर्णेश्वर महादेव जी मंदिर है. तो सामने जो ये तालाब जो है, तो बोलते हैं इसमें, इसी तालाब में भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी हुई थी. उस समय ये एक विवाह मंडप था. तो जो सेंटर में ये बाउंड्री है जो, तो इसके अंदर ही वो एक हवन कुंड है. तो बोलते जो उस समय अग्नि कुंड था उसी का ये परिवर्तन हुआ है जल कुंड में. तो अंदर जितना भी एरिया है ये आज भी मिट्टी है, कच्चा है. और इस मिट्टी का कलर जो है आज भी वो एक भस्म की तरह है, राख की तरह. आज भी ऐसे लगता है कि इसी में कोई हवन वगैरह हुआ है. तो ये अंदर, इसके अंदर मंदिर के अंदर दो प्राचीन मूर्तियाँ हैं. एक मूर्ति में माँ पार्वती जो बाल रूप में है, कन्या रूप में है, और दूसरी मूर्ति में शिव और पार्वती जी हैं. और एक जहाँ 250 ग्राम का पत्थर है, जिसे बोलते हैं कि उस समय जब बरातियों को वो प्रसाद वगैरह कुछ दिया था खाने को, तो उसके साथ तोल कर दिया था कि सबको बराबर रहे. और ये बाहर नंदी जी हैं. तो ये नंदी जी, छोटे वाले जो नंदी हैं, ये जब मंदिर बना था उस समय के हैं. और पीछे वाले नंदी जी जो हैं, जो मंदिर बनने के बाद जहाँ ज़मीन की खुदाई में मिले थे और फिर गांव वालों ने सबने इकट्ठे होकर यहाँ रखे हैं. और एक मंदिर के कोने में यहाँ मूर्ति है, ये भी एक खुदाई में मिली है. हाँ, ये सामने है.
तो साथ में ये नीचे इसके दो तीन पत्थर हैं, तो ये भी कहीं खुदाई में मिलते हैं, तो ऐसे लगता है कि उनके महल के पत्थर हो जाए कुछ है। और अगर कुदरत को यहाँ देखोगे तो आपको लगे कि हम चारों तरफ पहाड़ हैं, और ये एक बिल्कुल सेंटर में जगह है, आपको ऐसे देखने में लगे कि हम एक कुंड में खड़े हैं। सामने जो है ये पीएम इंदिरा गांधी जी के गुरु थे, जो गुरु जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, तो जहाँ काफ़ी पहले वो आए थे, लगभग 1972 में यहाँ आए थे। तो ये सामने उनका ये रनवे है जहाँ उनका हवाई जहाज उतरता था। तो आज दोबारा ये इंटरनेशनल सेंटर योगा बन रहा है यहाँ, तो ये अब उसको हेलीपैड बना रहे हैं। ये सामने सारा कुछ उन्हीं का है, ये सामने उनका एक बड़ा बड़ा शेड बना है जिसमें वो अपना जिसका वो जहाँ हवाई जहाज वगैरह अंदर लगाते थे, ये लाइटें वगैरह जो हैं ये उसी समय की लगी हैं। ये हैं, अगर आपको दिख रहे हों ध्यान से, तो ये पत्थर यहाँ पे खुदाई हुई थी तब मिले थे। तो ये शिवलिंग, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी से दिख रहा हो तो इनके ऊपर तीन वो बने हुए हैं, जटाएं वगैरह सब कुछ। एंड ये सब जितना भी है यहाँ पे खुदाई के वक्त, सब कुछ ये सब कुछ तब मिला हुआ है। ऐसे आपने देखा होगा शिव भगवान के वहाँ पे एक ही नंदी होते हैं, तो ये जब मंदिर बना था ये 150 ईयर्स पुराना है, तो ये तब के नंदी हैं। एंड ये जब यहाँ पे नीचे खुदाई कर रहे थे तो ये नंदी उस टाइम मिले हैं। दुख भरी दास्ता, ये जो मेरा चश्मा था इसको मैंने बंजी रोप से बाइक के पीछे बांधा हुआ था, टूट गया। ये एक एक हिस्सा रह गया, अब एक हिस्से से ही व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। बहुत बुरा हुआ यार मेरे साथ। यार ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। यार ये क्या हो गया, ये आधा ही रह गया, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो आपको ये 360 व्यू इस टॉवर से, ज़्यादा नहीं मुड़ूंगा क्योंकि नीचे से डेंजरस है ये बहुत ज़्यादा, मैं नहीं उठ सकता। और मोटरसाइकिल का आपको आधा आधा व्यू आ रहा होगा, तो सॉरी क्योंकि अभी पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं बना हूँ, मुझे पूरा लगता है। और भाई जो अभी टावर पे चढ़ा था ना मैं, भाई कसम से बड़ा भूतिया था यार। मुझे ऐसे ऐसी हरकतें करने में डर कम ही लगता है, पर आज मैं भी डर गया था भाई। खतरनाक था बुड़ू, बहुत ज़्यादा खतरनाक था बुड़ू। इन दिस वीडियो ये मैं सुध महादेव गया था, एंड इसके दो पार्ट हैं, सुध महादेव और मानतलाई, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया हुआ है। और इस शानदार व्यू के साथ आपको मैं ये खास खबर दे रहा हूँ कि जो तो सुध महादेव का ब्लॉग है वो आपको अलग से मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय डे एंड वॉचिंग माई ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आपको पता है कि आपको अच्छा सा लाइक टैप कर देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये चेहरा पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर देना। एंड तब तक के लिए आप लोग जो सब करना चाहते हैं आप लोग कीजिए, एंड इस शानदार व्यू के साथ साइनिंग ऑफ।